अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं आया हूँ एक स्पेशल जगह पर, इन द सेंस के जिस तरह से हम वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, मेरी मोस्ट फेवरेट, जहाँ पर मैं आना चाह रहा था और इसका नाम है खिड़की मस्जिद। पहले लोकेशन जान लो, लोकेशन बताऊँगा चलो बीच में, पहले ज़रा देख लेते हैं मस्जिद का छोटा सा टूर, आप सबको दिखा दूँ क्योंकि बड़े वीडियोज़ के बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था। मैंने कहा चलो नॉर्मली बना ही देते हैं। तो माशाल्लाह मैं अभी इस मस्जिद की छत पे खड़ा हूँ और पीछे का नज़ारा मेरा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इतनी सारी गुम्बद, ये देखो भाई, फिरोज शाह तुगलक की ये बनाई हुई मस्जिद है, यानी कि उनके राज में ये मस्जिद बनवाई गई थी। कितनी सारी गुम्बद्स हैं ये देखो। चलते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ, मैं अभी छत पर हूँ, ऊपर आना अलाउड नहीं है। मैं आया हूँ भाई जुगाड़ करके, ये देखो नीचे भाई इतने सारे चमगादड़ चमगादड़ अंदर पूरा ऐसा पड़ा है, बिल्कुल वीरान सा जिसको बोलते हैं ना। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो ये छत का व्यू है। ऐसे बहुत सारे आउटर्स बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं कहेंगे, सिर्फ दो से तीन बने हुए हैं, एक ये रहा और यहाँ पे ये गुम्बद है। यहाँ पर ये देखो ये बने हुए आउटर्स। तो बहरहाल बहुत सारी गुम्बद हैं, काफ़ी सारी इसमें से रिपेयरिंग भी चल रही हैं। अच्छी बात ये है कि रिपेयर हो रही है। अब चलते हैं नीचे, देखो एक ये बना हुआ है और ये छोटे छोटे से ना ये पत्थर्स लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ये लगे हुए। चलो बहरहाल नीचे चलते हैं क्योंकि दो तीन लोगों ने देख लिया है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप सभी को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये देखो छोटा सा मीनार टाइप का नहीं बोलेंगे, मतलब ये नॉर्मली बना हुआ है, मगर ये देखो लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, कितना इसका हाल बुरा है भाई। चारों तरफ सोसाइटी है, चारों तरफ घर हैं लोगों के यहाँ, और कौन सा हिस्सा कब गिर जाए मुझे नहीं पता। ऐसी जगहें हैं थोड़ा रिस्की होती हैं शूट करना, मगर फिर भी यार आप सबको दिखाने के पर्पस से मैं भी कहीं भी पहुँच जाता हूँ बिना सोचे समझे। कुछ ही देर में दिन ढल जाएगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से नीचे, कभी कोई ऑब्जेक्शन उठा दे के भाई छत पे गए थे, क्योंकि दो तीन लोगों ने देख लिया ना शूट करते हुए। बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे ये गुम्बदें, बड़ी ही प्यारी गुम्बदें। और ये है नीचे जाने का रास्ता, ये देखो क्या ज़बरदस्त रास्ता बना हुआ है, और ये पुराने टाइप के पत्थर हैं सारे, ध्यान से उतरना पड़ेगा। खिड़की मस्जिद ज़बरदस्त, आज इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर यहाँ थोड़ा तीन चार महीनों से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये पीछे पूरी सोसाइटी है, ये देखो क्या हरकत है, हगीज़ तक फेंकी हुई है, देख रहे हो। देखो कभी कुछ और लगे हगीज़ है, कौन फेंकेगा। यहाँ घर वर इतने सारे बने हुए हैं, सब यही कूड़ा डालते हैं, और यहाँ तो देखो शायद मूर्तियाँ वूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, ये देखो है नहीं भाई। जब कोई देखेगा ही नहीं ऐसी जगहों को तो देखो देखो यही हाल होना है, क्या होगा। ये देखो क्या हशर हो रखा है, नीचे इतने सारे वो बने हुए हैं यार, तहखाने तहखाने टाइप के, देख रहे हो ना, ज़बरदस्त है, मगर नीचे का हाल बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा। कौन पेशाब करता है, दारू पीता है, सब यही होता है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ मैं। इसको खिड़की मस्जिद यूँ बोला जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी, जहाँ देखोगे वहीं आपको इसमें खिड़कियाँ खिड़कियाँ नज़र आएंगी, मगर ये देखो इससे कैसा काला हो गया, यहाँ पर भी खिड़की है, ये अंदर जाने का रास्ता है। अंदर चलते हैं थोड़ी, अब तो यहाँ पर ये रिपेयरिंग करवा दी गई है, देख रहे हो ना, ये सब लोग रिपेयर कर रहे हैं, पिलर ख़राब हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और वो दिखाता हूँ चिमगादड़ वाला एरिया, चिमगादड़ वाला एरिया कौन सा, वहाँ से आवाज़ आ रही है ना, मगर मैं दूर से दिखाऊंगा, जूम करके पास नहीं जाऊंगा भाई, चिमगादड़ कभी भी चिपक जाता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, बट जब इसका शॉट आएगा या आ गया होगा तो चैनल पर विज़िट करके एक बार चेक कर लेना, इसका शॉट देखना, उसके अंदर जो भी इसकी हिस्ट्री होगी वो बताऊँगा। 1380 के अराउंड ये मस्जिद को बनवाया गया था, जब फिरोज शाह तुगलक का दौर था, तो इतना भी मुझे पता है। जब मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ तो पूरा रिसर्च करके बनाता हूँ उसके बारे में, ताकि अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल सके। मगर मस्जिद देखो, इतनी बड़ी मस्जिद और ये पिलर्स के बेस के ऊपर खड़ी हुई है, चारों तरफ पिलर्स पिलर्स मिल जाएंगे, और ये ऐसे बने हुए ना मस्जिदों में जो होते हैं, ये गुम्बद गुम्बद है। अंदर चलते हैं, देखो यहाँ है भाई चिमगादड़ भरे पड़े हुए, इतने चिमगादड़ हैं लाखों, देखो अलग ही आवाज़ आ रही है, देखो आवाज़ सुनो, हाँ इससे ज़्यादा नहीं जा रहा भाई मैं, ये जो देख रहे हो ना ये ब्लैक ब्लैक से पड़े हुए निशान निशान से, ये चिमगादड़ों की बीट है, देख रहे हो। और ये अंदर पता नहीं क्या सीन है, जूम करता हूँ देखो मैं,
ये देखो, पता नहीं क्या चीज़ है, चमगादड़ देखो कितने चमगादड़ उड़ रहे हैं। हाँ, और ये अंदर देख रहे हो मेहराब तक का बना हुआ है, नमाज पढ़ाने की जगह। ये देखो यहाँ पर भाई बहुत, इस जगह का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, जगह जगह चमगादड़ है। मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया, ये देखो, देख रहे हो, आई थिंक चमगादड़ों को ही है जो भी है, क्योंकि यहाँ इतने चमगादड़ हैं कि आप काउंट करते करते थक जाओगे भाई। अंदर जाना ना मेरे अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं है और ना ही सेफ है, तो इसलिए बेटर होगा कि यहीं पर ही रहा जाए। देखो हर गुंबद के ऊपर चमगादड़ है, उधर भी उधर भी उधर भी, और ये पूरा वहाँ तक का है सिस्टम, चमगादड़ों का एरिया है ये पूरा एरिया। चलो थोड़ा सा आंगन में चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप सभी को छत का एरिया। देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मस्जिद के अंदर ये सब चीज़ें, ये देखो रॉकेट तक का पड़ा हुआ है, बम बम फोड़ा हुआ किसी ने शायद, भाई कोई नहीं देखेगा, वीरान पड़ी रहती है, देख रहे हो आज इसकी हालत देखो, कब कौन सी चीज़ क्या नीचे गिर जाए कुछ नहीं पता। वो तो ये लोग यहाँ पर ये रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इनसे पूछा था, 3-4 महीने से ये काम तकरीबन चल रहा है और ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अभी बाहर से भी दिखाऊंगा, ये मैंने आप सभी को अंदर से दिखाया है, अब बाहर से देखेंगे। मगर ये क्या चीज़ बनी हुई है ये नहीं पता मुझे। यहाँ पर भी देखो कुछ चमगादड़ हैं, और ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये शेड शेड से पड़े हुए, ये सब चमगादड़ों की पोटी है, ये आई थिंक सब चमगादड़ों की पोटी है ये सब जगह। आज ऐसी जगहों पर शराबें, पेशाब, गलत काम सब ऐसे किया जा रहा है, लिटरली ना बहुत अफसोस होता है। देखो ये जो पूरी जगह है ना, ये है ना, ये पूरी वैसे तो मस्जिद की जगह है, जूते शूज़ नहीं लेके आने चाहिए, मगर आप जगह खुद देखो, बिना शूज़ के बिना चप्पल के आप यहाँ आ नहीं सकते, ये हालत हुई पड़ी आज यहाँ पर भी। हर जगह मतलब ज़्यादा चमगादड़ मैंने आपको कहाँ दिखाए थे, उस साइड और इस साइड भी हैं, मगर इस साइड कुछ है, यहाँ पर भी है, ये सामने चारों तरफ खिड़कियाँ। बाहर से दिखाऊंगा एक शॉट में आप सभी को भी चल कर। बाकी ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग हो रही है, देखो वो रिपेयर हो चुकी है ना ये पूरी, ये देखो ना पूरी रेनोवेट करवाई जा रही है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने छीलाई है, छेनिया तोड़ों से कर करके कुछ ऐसे ही है ना, और यहाँ पर है ना ये इन्होंने सपोर्टें भी लगाई हुई हैं ताकि ये भाई कुछ करते में नीचे ना गिर जाए, क्योंकि देखो किसी हिस्से का कोई भरोसा नहीं है, बहुत टाइम पुरानी ये मस्जिद हो चुकी है, अप्रॉक्स 750-800। हाँ, इसको लपेटे में ले लेंगे चमगादड़। देखो यार कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, चारों तरफ जहाँ से देखोगे वही नज़र मारोगे, बहुत प्यारी है। आज इसको तैयार किया जा रहा है, फिलहाल ये हिडन मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में बहुत से जानते हैं बहुत से नहीं जानते, जो ASI के अंडर में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, और यहाँ बहुत सारा रिपेयरिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, डन बहुत है। अब जैसे कि ये देखो ना, ये पूरे पिलरों के ऊपर रोक लगाई हुई है, देख रहे हो, मैं लाइट भी इतनी तेज़ नहीं चल रही है, देखो पूरा ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसके ऊपर, मतलब पिलर्स को रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, हाफ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी चमगादड़ है भाई, यहाँ पर भी आँख में एकदम जैसे मैंने ऊपर देखा ना मिट्टी आ गई भाई, बाहर निकल जाओ क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख रहे हो इधर की क्या हालत हुई पड़ी है। चलो मैं बाहर चलता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको एक छोटा सा सीन, फिर देखना और फिर मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करना अच्छे अच्छे जो भी आपकी राय हो, और मैं आपके सभी कमेंट के जवाब दूंगा। अब ये देखो ये इसके पूरे जीन है, ये इसका पूरा फ्रंट एरिया है, यहाँ से एंट्री होती होगी किसी टाइम, जो कि आज भी होती है, और जीने की हालत काफ़ी ख़राब है, वहाँ से हमें उतर के आना पड़ता है, थोड़ा ये इस तरीके से ढाल है, ये मेरे ख्याल से इसलिए बनाया होगा ताकि पार्किंग वार्किंग है, उस टाइम में क्या पार्किंग होता होगा यार, जो भी है बहरहाल, मगर देख लो गाड़ी वाड़ी आराम से यहाँ ले आओ नीचे। और ये सीढ़ियाँ फ्रंट है, ये इसका पूरा कार्ड आ गया, खिड़कियाँ देखो, फिलहाल ये वाला गेट मेन है, ये क्या बना हुआ है अंदर, ये वैसे ही है जीने के नीचे बनाया हुआ है, मीनारे हैं, ये क्या है भाई, कुआं सा पता नहीं क्या चीज़ है, देख रहे हो कितनी सारी खिड़कियाँ हैं। ये जो चारों तरफ का एरिया है ना, वो पूरा टोटली ऐसा ही एरिया है, एक जैसा, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है भाई ये, जो ASI के अंडर में आता है। तो ये था पूरा
व्लॉग इस मस्जिद का, बताना ज़रूर फ़िलहाल ये कैसा लगा। बस मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। जो भी कमेंट हो आप अपनी राय ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, सभी कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा। बाकी शॉर्ट्स के अंदर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में आप सभी को बनाकर शेयर करूँगा। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।